ओ भाई साहब, यो मिल गया मने कारगिल युद्ध और सबसे लंबी बत्ती और पटाखो कितने दिन तक बजाइयो चाहिए फड़ी फड़ी। तो हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि पटाखा कैसे बजाया जाता है, वो भी अगरबत्ती से। तो सबसे पहले आपके पास अगरबत्ती होनी चाहिए और मेन बात पटाखा भी होना चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाय गाइस, तो आपने काफी बार झालर नाम सुना होगा, झालर झालर। तो हर डायलॉग में झालर नाम आता है कि बड़ी बड़े झालर। तो आज मैंने झालर को ढूंढ लिया है और वो झालर आपको आज दिखाएंगे। तो देखिए गाइस, तो दोस्तों यही है वो झालर, अपने दोस्तों को टैग जरूर करें। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पटाखे को हाथ में लेकर कैसे बजाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह कि ऐसे पकड़कर तो बिल्कुल ना बजाएं। पटाखे को ऐसे पकड़े, कुछ नहीं होगा, हाथ में ऐसे पकड़े रखें और यहाँ से आग लगा दें इसको। ये बजेगा तो छोड़ना नहीं है इसको, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके उंगलियां उंगलियां जलेगी। बेटे मौज कर दी, वाह बेटे वाह, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई।